जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों आज एक बहुत ही जरूरी वीडियो है। जो भाइयों ने एसएससी जीडी के थ्रू अपना अपना पैरामिलिट्री फोर्स में सीआरपीएफ बीएसएफ सीएसएफ आईटी बीएसएसबी जितना फोर्स में आप लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं और जो भाई ने पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए सारे लोगों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पैरामेडिकल जो होता है उसका ड्यूटी क्या था, उसमें फायदा क्या मिलता है, उसका काम क्या रहता है, वो पैरामेडिकल क्यों पैरामिलिट्री फोर्स में है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके बारे में बताने से पहले यदि आप लोग नया वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो अपना बेल आइकन है बेल आइकन को दबा के चैनल को अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ पैरामेडिकल एक होता है, आप सोच रहे हो जो पैरामेडिकल है पैरामिलिट्री में पैरामेडिकल होते हैं, दोस्तों ऐसा बात कुछ नहीं है। दोस्तों पैरामेडिकल मतलब ये है एक मेडिकल होता है एक पैरामेडिकल होता है, ठीक है दोस्तों। पैरामेडिकल मतलब ऐसा होता है दोस्तों, हमारा इसका मतलब ये है अपना ये अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड का मीनिंग ये है पूर्व चिकित्सा हॉस्पिटल, ठीक है। अपना जो पहले जो फर्स्ट एड जो होता है उसी फर्स्ट एड का करने का जो करता है उसी हॉस्पिटल है। तो दोस्तों जो पैरामेडिकल है इसमें ना कोई ऑपरेशन ना बड़ा बीमारी का कोई इलाज हो सकता है, इसमें जो छोटे मोटे बीमारी पहले स्टार्टिंग का जो बेस स्टार्टिंग जो बीमारी उसी को ही हो सकता है उसका इलाज, तो उससे बड़ा बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे तो पैरामिलिट्री में पैरामेडिकल क्यों होता है। दोस्तों आप लोग को जानना बताना चाहता हूं आर्मी में जो होता है इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स वहां पे मेडिकल्स होता है, ठीक है दोस्तों, वहां पे पैरामेडिकल नहीं होता है, वहां पे सारी चीज का लगभग सुविधाएं रहता है। आर्मी में जो होता है लगभग सुविधा का रहता है, जैसे आप लोग का पैरामिलिट्री में असम राइफल का ऐसा सुविधा मान मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ आईटी बीएसएसबी असम राइफल में सॉरी असम राइफल को छोड़ के सारे फोर्सेस में आप लोग को पैरामेडिकल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें से फायदा क्या होता है, देखिए मेडिकल से होने से जैसे कोई इमरजेंसी को जल्दी आप लोग का बहुत फायदा रहता है, क्योंकि आर्मी में डायरेक्ट मेडिकल होने की वजह से आप लोग को इलाज बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों ये बताना चाहता हूँ पैरामेडिकल का ड्यूटी क्या रहता है। दोस्तों पैरामेडिकल का तो ड्यूटी बता दिया, तो जवानों का जो होता है जो फर्स्ट एड करने के लिए उस चीज को पहले ही पैरामेडिकल में इलाज होता है, सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एसएसबी और एनआईए एसएसबी आदि फोर्स में। तो मैं और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप लोग का यदि कुछ बड़ा बीमारी हुआ तो वो कहाँ फिर इलाज होगा, तो वो फिर कुछ बाहर हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, ठीक है दोस्तों, वो अपना पैरामेडिकल में नहीं होगा, बाहर का सिविल हॉस्पिटल में आप लोग को रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको रेफर करने से आप लोग को क्या पैसा देना पड़ेगा, तो नहीं दोस्तों, आप लोग को कुछ जगह में कैशलेस फ्री मिलेगा ट्रीटमेंट और कुछ जगह में आप लोग को सीजीएचएस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आप लोगों को मेडिकल कम दाम में मिल जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं आपके इंश्योरेंस वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है उसमें से आप लोग को कम छूट मिलता है, कहीं जहां पे आपका 40,000 हॉस्पिटल में बिल हुआ वहां पे 20,000-15,000 बिल होता है, तो इसी तरह आप लोग को छूट मिलता है। तो दोस्तों उसी हॉस्पिटल को आपको जाना चाहिए जिस हॉस्पिटल में आप लोग का सपोज आपका उधर ही नजदीक कहीं है हॉस्पिटल सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की पैरामेडिकल के अंडर जो निजी हॉस्पिटल जितना प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ वो टाई अप करता है जिस हॉस्पिटल के साथ उसी हॉस्पिटल में आप जाने से आप लोग को ये सुविधा मिलेगा, बाकी कहीं ऑल अदर हॉस्पिटल में जाओगे तो आप लोग को सुविधा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बोलना चाहता हूं यदि आप लोग का ड्यूटी के दौरान कोई बीमारी होता है तो आप लोग को फोर्स सारे पैसा उठाएगा, सेवाएं कहीं कुछ जैसे आप लोग को कुछ विटामिन टैबलेट्स और आप लोग का लिवर और किडनी की जो कुछ होता है जो प्रॉब्लम होता है उसका आप लोग का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो पैरामेडिकल के रूल के तहत नहीं सुविधा मिलता है। तो आप लोग को कहाँ सुविधा मिल सकता है, ये सिर्फ आर्मी में नाभि में और एयरफोर्स में इसका सुविधा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट और कुछ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आपका फैमिली का क्या फायदा रहेगा, दोस्तों आप लोग को जब ज्वाइनिंग करोगे एसएससी जीडी में चाहे किसी भी बैंक में ट्रेडमैन में हो जीडी में हो पैरामेडिकल सभी सारे फोर्स के जवानों को आपकी पर्सनल हेल्थ कार्ड मिलेगा, स्वास्थ्य कार्ड और फैमिली का हेल्थ कार्ड, उसी में आप लोग आपका फैमिली का जो फोटो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है शायद आपको शादीशुदा है तो आपका फैमिली और आपका बच्चे और माँ बाप, नहीं तो आप शादी नहीं आपका माँ बाप और शादी नहीं किया होगा बहन और आपका कोई भाई जो शादी नहीं किया होगा, तो उन लोगों यदि आपके ऊपर डिपेंड है उनका फोटो लगा के उन लोगों का जो
हॉस्पिटल यदि आपका नजदीक जो चाहे सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबी एसएसबी कहीं नजदीक आपका हॉस्पिटल है वहां पे आप पैरामेडिकल में आप रेफर करके बाहर इलाज करते हैं तो आप लोगों को सीजीएचएस के तहत रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी मदर फादर की जो ट्रीटमेंट होगा उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भी बताना चाहता हूँ तो पैरामेडिकल का ड्यूटी क्या रहता है, ये फर्स्ट एड जैसा होता है, कहीं आपका नॉर्मल ब्लड टेस्ट करना है और कहीं आप लोग का नॉर्मल एडमिट होना है। ठीक है, तो इस चीज का नॉर्मल फर्स्ट एड के लिए लगभग बेसिक जो होता है ट्रीटमेंट उसके लिए पैरामेडिकल होता है। पर आजकल ऐसा है, मैं कई जगह में देखा, हमारा भुवनेश्वर या दुर्गापुर कई जगह में आजकल परमानेंट ऑपरेशन वगैरह होने लगा है और 50 बेड की सुविधा 100 बेड की सुविधा जैसे जलंधर दिल्ली वगैरह में सुविधाएं मिलने लगा है सीआरपीएफ में और बीएसएफ में सीआईएसएफ में भी। तो दोस्तों ज्यादा सुविधा मिल जाता है आर्मी वालों, आर्मी और नेवी एयरफोर्स को सबसे ज्यादा सुविधा मिल जाता है मेडिकल की। तो मैं ये तो बता दिया हूँ आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिली। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ पैरामेडिकल का कितना कितना दिन ट्रेनिंग होता है। दोस्तों जैसे फार्मासी और नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग एसआई नर्सिंग इन लोगों का 6 महीना से 8 महीना ट्रेनिंग होता है और जो लोग ट्रेडमैन होता है कुक वाटर कैरियर सफाई कर्मचारी और स्टे वार्ड वगैरह उन लोगों का 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। दोस्तों इन लोगों का पेमेंट जो है कॉन्स्टेबल जीपी का पेमेंट से बिल्कुल 1% भी डिफरेंट नहीं होता है, सारे पैसा बिल्कुल बराबर ही मिलता है दोनों की दोनों ट्रेडमैनों को। तो सबसे बड़ी आप लोगों को ये बताना चाहता हूं दोस्तों जो कि पैरामेडिकल स्टाफ में भर्ती होगा उसका नौकरी लगेगा पारा, वो हर दिन सिटी एरिया में रहेगा, जितना भी सीआरपीएफ की ग्रुप सेंटर है पैरामेडिकल है उसी में ही उनको ड्यूटी देना पड़ेगा, ना आप लोग को कहीं अलग जगह जाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को बटालियन का एक हर बटालियन में एक मेडिकल होता है उसी में आप लोग का ड्यूटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका इतना अच्छा नौकरी है, जीडी से बहुत अच्छा नौकरी है, इसमें बहुत आराम है और एंजॉय भी आप लोग कर सकते हो, फैमिली रखने की पूरा सुविधा होता है क्योंकि आप लोग हर जगह आपकी नॉर्मल एरिया में ड्यूटी रहेगा पैरामेडिकल स्टाफ की सारे, चाहे कुक हो स्टेवर्ड हो चाहे सफाई कर्मचारी हो चाहे वाटर कैरियर हो सारे आदमियों का नॉर्मल एरिया में इसका ड्यूटी रहेगा। तो सैलरी का बात बता दिया हूँ, ड्यूटी का बोल दिया हूँ, ट्रेनिंग तो बता दिया हूँ और आप लोगों को जो पैरामेडिकल में और मेडिकल में क्या सुविधा मिलता है, आर्मी में रहता है मेडिकल और पैरामिलिट्री में रहता है पैरामेडिकल। तो दोस्तों ये जो सुविधा होता है यदि आप लोग कहीं आपका माताजी पिताजी बीमार होता है तो आप लोग हेल्थ कार्ड लेकर आपका नजदीक जो पैरामेडिकल है पैरामिलिट्री का जो पैरामेडिकल चाहे सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबी एसएसबी नजदीक कहीं उसमें आप लोग को रेफर करके अपना गवर्नमेंट का अपना जो पैरामिलिट्री जो टाई अप करता है जिस हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाके इलाज कर सकते हैं, जिसके वजह से आप लोग का माताजी पिताजी का जो पैसा कम खर्चा लगेगा। यदि आप लोग का आपकी सपोज आप छुट्टी में है आपका घर दूर पड़ रहा है कहीं पैरामेडिकल हॉस्पिटल में तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग पहले आपकी गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट आपकी नजदीक हॉस्पिटल वहां से आप लोग यदि चाहे तो गवर्नमेंट को आप रेफर करोगे, नहीं तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर करेंगे और यदि पहले आप लोग को पैसा खर्चा करना पड़ेगा और जितना पैसा खर्चा होगा, ठीक है दोस्तों जितना पैसा आप लोग को यदि खर्चा होगा उसको आप लोग फॉर्म भर के 97 और 104 फॉर्म भर के आप लोग को पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों इतना है तो सुविधा है पैरामेडिकल के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।